मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर है, जहां क्राइम ब्रांच और राजेंद्र नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए शातिर वाहन चोरों की गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 6 धारदार चाकू, 1 पेचकस, 1 लोहे की टॉमी, 1 प्लायर एवं 10 चोरी के 2-व्हीलर वाहन जिसकी कीमत 7 लाख रुपये बताइए जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चुईथराम मंडी के नज़दीक कचरा संयंत्र के पीछे सुनसान स्थान पर मोटरसाइकिल पर कुछ लोग हथियार के साथ डकैती डालने की नीयत से खड़े हुए हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच और थाना राजेंद्र नगर की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 6 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की। तो आरोपियों ने अपना नाम पवन, अर्जुन, प्रथम जीत उर्फ जीतू, दीपक उर्फ गोटू और दीपक होना बताया। आरोपियों की तलाशी लेने पर 6 धारदार चाकू, 1 पेचकस, 1 लोहे की टामी, 1 प्लायर एवं 10 चोरी के 2-व्हीलर वाहन जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त किए गए हैं। सर, डकैती की योजना में वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, नए वाहन चोरों की योजना बनाते हुए 6 लोगों को पकड़ा गया है राजेंद्र नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में। इन लोगों से 6 चाकू बरामद किए गए हैं और इसके अलावा इनसे करीब 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें की जाती रही हैं। इसमें कुछ इनके द्वारा जो मोटरसाइकिलें मिली हैं वो उन्होंने उज्जैन से भी चुराई हैं, तो वो सभी जो है बरामद कर ली गई हैं और इनसे और पूछताछ हम कर रहे हैं। चाकू भी ये लोग जो है यहाँ लोकल कहीं से ले रहे थे, उस नेटवर्क को भी पता किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये लोग डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जब मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया और फिर इनसे जो है सारे पूछताछ के उपरांत इनके विरुद्ध कार्रवाई बाकी की गई है। इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, इसमें एक मेन आरोपी है दीपक नाम से, उस पर लगभग 20 से ऊपर अपराध कायम है और भी जो आरोपी हैं उन पर भी 3-4 अलग अलग विभिन्न अपराधों में विभिन्न अधिनियमों में अपराध पंजीबद्ध है। ये जैसा मैंने बताया आपको, मोटरसाइकिल चोरी जो इनसे मिली है वो जैन जिले की भी मिली है, तो ये लोग जो है इस पूरे इलाके में जो है आसपास के जिलों में भी सक्रिय हैं, वहाँ भी ऑपरेट करते रहते हैं।